तो देखिए, क्लास 12th के लिए आज का लेक्चर है हमारा। हमारी क्लास 12th की फर्स्ट क्लास है। एक रिवीजन हम लोग कराना चाहेंगे आपको डिफरेंशिएशन का। देखिए, पूरा डिफरेंशिएशन रिवाइज कराना इतने शॉर्ट इंटरवल में शायद पॉसिबल ना हो पाए, लेकिन कुछ ऐसे मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ लेकर चलना चाहूँगा। देखिए, आज मैं एक क्वेश्चन नंबर 1 लेके चलना चाहता हूँ आपके पास। देखिए, पूरा हम लोग एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि अगर आप इन सारी क्लासेस को अटेंटिवली 2 बार, 3 बार, 4 बार रिपीट करें और सुने, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन को आपने मेरे साथ ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैंने एक फर्स्ट पार्ट लिया इसका कि अगर कभी मेरे पास टेन इनवर्स ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होगा तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा। देखो, मैं एक ऐसी चीज़ आपको बताता हूँ जो मैंने आपको बारी बारी समझाई है कि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो या इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो, इन सारे क्वेश्चंस के अंदर हम पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं और उसके बाद डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, आप डिफरेंशिएशन को ज़्यादा अच्छा सीख जाओगे तो आप हर क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करोगे। आपको डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छा नहीं, आपको सिंप्लीफिकेशन को बहुत अच्छा सीखना है, क्योंकि अगर आप सिंप्लीफिकेशन को बहुत अच्छा सीख जाओगे तो आप कम डिफरेंशिएशन को यूज करके भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, और आपको डिफरेंशिएशन ज़्यादा अच्छा आ गया तो आपको सिंप्लीफिकेशन भी उतना ही अच्छा सीखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो सिंप्लीफिकेशन अगर आपको ज़्यादा अच्छा आता हो तो कम डिफरेंशिएशन से भी काम चल जाएगा। ठीक, अब देखो, ध्यान समझो। देखो, मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका सिंप्लीफिकेशन अगर मैं करूँगा तो मुझे साइन एक्स का एक फॉर्मूला पता है जो मैं इनवर्स में यूज करता था, 2 sin x/2 cos x/2, और 1 प्लस कॉस एक्स का भी एक फॉर्मूला मेरे को पता है जो मैं यूज करता था इनवर्स में, 2 cos² x/2। वेरी गुड। तो देखो, हमने क्या लिखा, यूजिंग साइन एक्स इज इक्वल टू 2 sin x/2 cos x/2 एंड 1 प्लस cos x = 2 cos² x/2। ये दो फॉर्मूले हम लोगों ने यूज किए। देखो, हमारे पास टैन इनवर्स, आपने साइन एक्स की जगह पुट किया 2 sin x/2 और cos x/2। अब देखो, ज़्यादा अच्छा रहता है कि अगर आप इसको ना कुछ लेट कर लो, जैसे आपने इसको वाई लेट कर लिया, तो चीज़ ना पूरी वाई के साथ चलती रहेगी और ये होगा 2 cos² x/2। ठीक है, अब देखो क्या होगा, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स। अब देखो, ए कॉस एक्स बाई टू से ए कॉस एक्स बाई टू कैंसिल आउट हो गया और इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास बचा साइन एक्स बाई टू ऊपर और नीचे ए कॉस एक्स वाई टू बचा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 cos x/2 होते हैं। तो आपके पास में जो वाई होगा, देखो आपके पास में जो वाई होगा, तो ये वाई होगा आपके पास टेन इनवर्स 10x/2। ठीक है, अब देखो, टेन इनवर्स से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास में जो वाई बचा वो x/2। अब देखो, आपने सिंप्लीफाई करा तो आपके पास y = x/2 आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन देखो कितना आसान है। आपने कहा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, d/dx(y) = d/dx(x/2। आप वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आपको पता है कि आप नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, d/dy(y) के मल्टीप्लाई में dy/dx लिखोगे। देखो, dy से dy कैंसिल आउट हो जाएगा और वापस d/dx जैसा था वैसे ही आ जाएगा, तो ऐसा आप लिख सकते हो, क्वेश्चन पर फर्क नहीं पड़ेगा। इज इक्वल टू, देखो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 ही होगा, 1/2 dy/dy और वाई होगा 1, ये होगा आपके पास dy/dx इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, 1/2 होगा। तो देखो, dy/dx कितना निकल कर आएगा आपका, 1/2, ये पार्ट आपका प्रूव हो गया, या फिर आप इसको आंसर कहना चाहें तो ये आपका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। देखो, अब हमने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, हमारा सेकंड पार्ट है और ये हमारी क्लास 12th की डिफरेंशिएशन की फर्स्ट क्लास है। ठीक है,
तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू, तो आपसे कहते हैं साइन इनवर्स 2 की पावर x + 1 अपॉन 1 + 4 की पावर x। आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो देखो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, मैंने आपको तरीका बताया, ये 2 की पावर x + 1 है, इसे कनेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, 2 की पावर x + 1, ठीक है। तो अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, आप इसे कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो आपके पास तरीका बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना है, तो मैंने इसको वाई लेट कर लिया। अब मेरे पास क्वेश्चन है वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 की पावर x + 1 अपॉन 1 + 4 की पावर आपके पास x, ठीक है। अब देखो सुनो, ये होगा मेरे पास वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, मैं इसको 2 की पावर x मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1 अपॉन 1 + 2 की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो मेरे पास साइन का एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, ठीक है। तो मैंने अपने पास यहाँ पर दिमाग में रखने के लिए रखा कि 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा ये फॉर्मूला होता है, किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। याद कैसे रहेगा, एक तो मुझे 2 दिखाई दे रहा है और एक साइन दिखाई दे रहा है, तो 2 और साइन से साइन 2 थीटा का एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें नीचे स्क्वायर भी आता है, वो केवल tan होता है, ठीक है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, आपने लेट किया कि जो 2 की पावर x है वो कितना आपके पास 10 थीटा, ठीक है। तो आपके पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, ठीक है। अच्छा देखो ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है हमारे पास, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट होगा तो आपके पास में कितना बचा, 2 थीटा, ठीक है। अब देखो y कितना आपके पास में, 2 थीटा। देखो आपने क्या लेट किया कि 10 थीटा इज इक्वल्स टू 2 की पावर आपके पास x था, तो थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 2 की पावर कितना होगा आपके पास, x होगा। मतलब y होगा आपका 2 tan इनवर्स 2 की पावर आपके पास x, ठीक है। अब देखो 10 इनवर्स के अंदर कुछ लिखा है जिसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, तो आपने कहा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है जी। देखिए क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10 इनवर्स 2 की पावर x। तो ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स, तरीका बिल्कुल सेम जैसे कि आपने पीछे किया था, डी अपॉन डी वाई करके इज इक्वल टू 2 टाइम्स। अब देखो 10 इनवर्स 2 की पावर x को आप ले सकते हो 1 अपॉन 1 + 2 की पावर x का होल स्क्वायर के मल्टीप्लाई में डी अपॉन डी एक्स 2 की पावर आपके पास x। अब देखो ये होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 1 + 4 की पावर x, 2 का स्क्वायर मतलब 4 की पावर x, और 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है 2 की पावर x log 2, ठीक है। तो आपका आंसर निकल कर आएगा, ठीक। तो फिर दूसरा क्वेश्चन था, हमने सिंप्लीफिकेशन से इस क्वेश्चन को इजीली निकाल लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, देखो देखो क्लास 12 डिफरेंशिएशन की फर्स्ट क्लास, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, देखो हमारे पास y है आपका a की पावर t + 1 अपॉन t, और x इज इक्वल टू आपके पास t + 1 अपॉन t की पावर कितना आपके पास है, ठीक है। और आपको कहते हैं कि आपने
डिफरेंशिएशन निकालना है वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। ठीक है, अब देखो कैसे निकालोगे। देखो ये पैरामेट्रिक फॉर्म है जिसमें एक्स एक टी का फंक्शन है, वाई भी एक टी का फंक्शन है। तो पहले आपने एक्स लिखा, देखो एक्स आपके पास टी प्लस वन अपॉन टी की पावर आपके पास ए। ठीक है, आपने कहा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये होगा डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी ऑफ टी प्लस वन अपॉन टी की पावर ए। देखो ये होगा डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू, देखो ये होगा ए ब्रैकेट टी प्लस वन अपॉन टी की पावर ए माइनस वन। ठीक है, और देखो उसके मल्टीप्लाई में डी अपॉन डी टी ऑफ टी प्लस वन अपॉन टी। ठीक है, अच्छा देखो ये कितना होगा आपके पास ए, ये टी प्लस वन अपॉन टी की पावर ए माइनस वन। अब देखो डी अपॉन डी टी ऑफ टी और प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ वन अपॉन टी, तो ये होगा आपके पास ए टी प्लस वन अपॉन टी की पावर ए माइनस वन, डी अपॉन डी टी ऑफ टी कितना होगा वन, और डी अपॉन डी टी ऑफ वन अपॉन टी होगा माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है जी, ये चीज आपके पास डी एक्स अपॉन डी टी। अच्छा देखो अगली चीज, इस डी एक्स अपॉन डी टी को आपने निकाला, तो आप इस डी एक्स अपॉन डी टी को ये बॉक्स में बंद कर दो। अब आपके पास है वाई इज इक्वल टू ए की पावर टी प्लस वन अपॉन टी, आपने कहा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। देखो ये होगा डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ ए टी प्लस वन अपॉन टी, तो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए की पावर टी प्लस वन अपॉन टी, साथ में कितना होगा आपके पास लॉग ए, और उसके साथ होगा डी अपॉन डी टी ऑफ ये जो पावर है टी प्लस वन अपॉन टी। ठीक है, तो ये होगा आपके पास डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू ए की पावर टी प्लस वन अपॉन टी, साथ में कितना होगा आपके पास लॉग ए डी अपॉन डी टी ऑफ टी और प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ वन अपॉन टी। देखो ये होगा ए की पावर टी प्लस वन अपॉन टी, साथ में कितना होगा लॉग ए, और डी अपॉन डी टी टी का कितना होगा वन, और वन अपॉन टी का होगा माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। ये देखो आपका आंसर निकला है डिवाइड बाई डी टी। और देखो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए बोला था, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा आपके पास डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, मतलब ए टी प्लस वन अपॉन टी ए की पावर लॉग ए वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर अपॉन ए टी प्लस वन अपॉन टी की पावर ए माइनस वन और वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, तो वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर है आपके पास। अब देखो ए टी प्लस वन अपॉन टी, ये चीज क्या थी आपके पास वाई, तो होगा वाई लॉग ए अपॉन, अब देखो ए टी प्लस वन अपॉन टी की पावर ए, अब देखो ए टी प्लस वन अपॉन टी की पावर ए मतलब एक्स हो जाएगा, और उसके साथ में लिखा रहेगा टी प्लस वन अपॉन टी की पावर माइनस वन। ठीक है जी, देखो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट भी हो गया। देखो अब आपको क्वेश्चन नंबर टू सिखाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर टू, अब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेकर चलते हैं। देखो आपके पास है लॉग सेवन बेस लॉग एक्स। ठीक है, देखो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी लगती है लॉग की, कि लॉग अगर आपका ए बेस बी है तो आप इसको लिख सकते हो लॉग ई बेस बी
अपॉन में लॉग ई बेस ए, क्योंकि लॉग के अंदर जब भी कभी आपको डिफरेंशिएशन करना हो तो बेस हमेशा लॉग का ई होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सुनो क्या होगा, आपके पास है, आपने इसको क्या करा, y आपने इसको लेट किया, अब आपका y इज इक्वल्स टू लॉग 7 बेस लॉग x, ठीक है। तो y इज इक्वल टू लॉग 7 बेस लॉग x, आप इसे क्या लिखोगे, y इज इक्वल्स टू लॉग e बेस लॉग x अपॉन लॉग e बेस 7, ठीक है। अच्छा देखो देखो, इन क्वेश्चंस को करने में तुम्हें एक फायदा हो रहा है कि जो क्वेश्चन तुम देख रहे हो ना, मैं इनको एग्जैक्टली उसी तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ जैसे मैं एग्जाम में बैठता था। एग्जाम में किस तरीके से मैं क्वेश्चन लिखता, क्वेश्चन का पार्ट लिखता, क्वेश्चन को नोट करता, मैं लेट करता, जो प्रॉपर्टी लगाता मैं उसको लिखता। तो मैं आपको पूरी प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूँ और स्पीड दे रहा हूँ आपको कि एग्जाम में आपने किस स्पीड से काम करना है, ठीक है। अब देखो सुनो, आपने लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग e बेस लॉग एक्स अपॉन लॉग e बेस 7, ठीक है। देखो आप इसे लिखोगे d अपॉन डी वाई ऑफ वाई, साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो 1 अपॉन लॉग e बेस 7 आप अलग कर दो, साथ में होगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग ई बेस कितना होगा आपके पास लॉग एक्स। देखो डी अपॉन डी वाई ऑफ वाई कितना होगा 1, इसके साथ है डी वाई बाई डी एक्स, देखो ये होगा 1 अपॉन लॉग ई बेस 7। अब देखो डी अपॉन डी एक्स लॉग ई बेस लॉग एक्स कितना होगा 1 अपॉन लॉग एक्स मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ई बेस 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर टू का देखो, देखो जी क्लास 12th डिफरेंशिएशन की फर्स्ट क्लास, और अब हम क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है, कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। देखो फिर वही चीज, डिफरेंशिएशन करने से पहले हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन कैसे करोगे, आपने कहा हम पुट करेंगे 1 प्लस साइन एक्स की जगह पर कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको ये फॉर्मूला सिखाया हुआ है इनवर्स टू में, ठीक है। अच्छा आप पुट करोगे 1 माइनस साइन एक्स की जगह पर कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। अब देखो सुनो, और आपने इसको y लेट किया, तो देखो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स बाय टू और प्लस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ये होगा कॉस एक्स बाय टू और माइनस में साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ, ये होगा कॉस एक्स बाय टू और प्लस में साइन एक्स बाय टू का
होल स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू होल स्क्वायर। अच्छा देखो सुनो, देखो आपके पास है वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स। अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास बचा कॉस एक्स बाई टू और प्लस में आपके पास साइन एक्स बाई टू, ये प्लस में आपके पास कॉस एक्स बाई टू और माइनस में आपके पास साइन एक्स बाई टू। देखो अपॉन, देखो ये होगा आपके पास कॉस एक्स बाई टू, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया और प्लस में साइन एक्स बाई टू। अब देखो जब माइनस साइन आ गया बीच में तो अगली चीज को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, कॉस एक्स बाई टू और माइनस में साइन एक्स बाई टू का टू, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। अब देखो हमने लिखा वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ठीक है देखिएगा कॉस साइन एक्स बाई टू और साइन एक्स बाई टू कैंसिल्स आउट ईच अदर एंड गिव्स यू टू कॉस एक्स बाई टू। अब देखो कॉस एक्स अपॉन टू और प्लस साइन एक्स अपॉन टू, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस कॉस एक्स अपॉन टू और प्लस साइन एक्स अपॉन टू। देखो कॉस एक्स बाई टू से कॉस एक्स बाई टू कैंसिल्स आउट, नाउ दिस वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स टू कॉस एक्स अपॉन टू और ये टू साइन एक्स अपॉन टू। अब देखो टू से टू कैंसिल आउट हो गया, वाई इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू कॉट एक्स अपॉन टू, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल आउट, वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू। अब देखो क्वेश्चन क्या था और क्या बन गया, कितना सिंपल हो गया। अब आपने इसको लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई टू। देखो ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू, भी आपका आंसर आ गया, ठीक है मेरे, वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर टू का अब हम लोग थर्ड पार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड पार्ट, क्लास ट्वेल्थ डिफरेंशिएशन की फर्स्ट क्लास, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ में देखेंगे, क्लास ट्वेल्थ में देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड पार्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड पार्ट, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ उस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन जब मैंने फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था ना तो मुझसे सॉल्व नहीं हो पाया और मेरी ही एक स्टूडेंट ने ये सॉल्व करके दिखा दिया बहुत आसान तरीके से। देखो कैसे, देखो आपने क्या लिखा एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वाई, आप इसको उधर ले जाओ तो होगा माइनस का वाई स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स। अब ये ना टेंथ क्लास में सिखाते हैं बच्चे को कि अगर कभी आपको एक ही साइड दो स्क्वायर रूट मिलते हैं उधर जीरो तो एक रूट को आप दूसरी साइड ले आकर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, तो वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर ट्राई करनी है। तो देखो आपने क्या लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो देखो अभी क्या होगा, ये होगा आपके पास एक्स का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो वन प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो होगा वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा तो वन प्लस एक्स। अब देखो ये होगा आपके पास एक्स का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक्स। अब देखो आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। देखो एक ब्रैकेट में x प्लस वाई और नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस वाई, आपने x और y कॉमन ले लिया ये होगा y माइनस एक्स, ठीक है। अगर आप यहाँ से एक माइनस साइन कॉमन निकालो तो माइनस का x प्लस वाई ये बन जाएगा आपका उल्टा y माइनस एक्स, क्योंकि आपने माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस का y माइनस का x बन जाएगा, ये होगा आपके पास एक्स वाई और ये होगा y माइनस एक्स, y माइनस एक्स और y माइनस एक्स कैंसिल आउट होगा। देखो ये होगा माइनस का x
और माइनस का वाई, और ये होगा आपके पास एक्स वाई। देखो माइनस का एक्स इज इक्वल टू माइनस का वाई, अगर साइड चेंज करेगा तो वाई प्लस में एक्स वाई बन जाएगा, तो माइनस का एक्स इज इक्वल टू अपना वाई कॉमन लिया, ये होगा वन प्लस एक्स। अब देखो आपने वाई लिखा तो वाई इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस का एक्स अपॉन में कितना होगा आपके पास वन प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो आपने करा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस साइन डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। देखो बेटे ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन, तो आपने वन प्लस एक्स लिखा और ये होगा आपके पास डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, माइनस आपने एक्स लिखा और ये होगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ वन प्लस एक्स, और अपॉन में आपके पास वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आपने क्वेश्चन टू लगा दिया तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन, आपने लिखा वन प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है वन, माइनस एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ वन होता है जीरो, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन, ये होगा वन प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल आउट होगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो आंसर निकल कर आ गया, ठीक है ना। देखो क्लास 12 डिफरेंशिएशन फर्स्ट क्लास, अब मैं आपको इसका थर्ड टाइप के कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। देखो टाइप किस तरीके के हैं, टाइप है इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिफिकल्टी वाले, मतलब धीरे धीरे ना डिफिकल्टी का ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा कोई टाइप नहीं है मतलब कि ये किसी और स्कूल में आएगा वो किसी और स्कूल में आएगा, तुम्हें डिफिनेशन के बारे में सब कुछ आना चाहिए, तुम्हें पैरामेट्रिक आना चाहिए, तुम्हें लॉग लेना आना चाहिए, तुम्हें मिसलेनियस आनी चाहिए, सब आना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड लेके चल रहा हूँ, इसका मैंने फर्स्ट पार्ट लिया कि अगर आपके पास एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो शो दैट वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर थ्री अपॉन में टू अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इनडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब कि ये जो पार्ट है इस पार्ट को अगर आप सॉल्व करोगे तो उसमें ना ए आएगा और ना उसमें बी आएगा, लेकिन सी आ सकता है, मतलब कुछ और भी आ सकता है, लेकिन ए और बी नहीं आएंगे बस। ठीक है, अब देखो शुरुआत कैसे करेंगे। देखो तरीका बहुत सिंपल है, अब इस क्वेश्चन में आप सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते, आपको डिफरेंशिएशन ही करना होगा। देखो आपने लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टू टाइम्स एक्स माइनस ए, एक्स का वन ए का जीरो, प्लस टू टाइम्स वाई माइनस बी, वाई का डी वाई बाई डी एक्स और बी का जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखो यहाँ से आप जब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे तो ये चीज राइट में जाएंगी, तो हो जाएगा माइनस का टू टाइम्स एक्स माइनस ए अपॉन टू टाइम्स वाई माइनस बी, तो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। देखो आपने एक्स को लिखा अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, मैंने साइन को बाहर निकाला ब्रैकेट लगाया, पहले आप लिखोगे y माइनस बी डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए, माइनस साइन आप लिखोगे x माइनस ए डी अपॉन डी एक्स ऑफ y माइनस बी, अपॉन में कितना होगा आपके पास
वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो ये होगा आपके पास डी टू वाई ओवर डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस साइन। देखो ये होगा वाई माइनस बी डी अपॉन डी एक्स का वन ए का जीरो माइनस साइन एक्स माइनस ए डी अपॉन डी एक्स। देखो वाई का होगा डी वाई अपॉन डी एक्स और बी का डिफरेंशिएशन कितना होगा जीरो। अब देखो इसके अपॉन में कौन है मैं दोबारा देख लो वाई माइनस बी डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस ए माइनस साइन एक्स माइनस ए डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस बी। इसके नीचे वाई माइनस बी का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। देखो माइनस साइन बाहर है वाई माइनस बी ऐसे लिखा रहा डी अपॉन डी एक्स एक्स का वन और ए का जीरो माइनस साइन एक्स माइनस ए आपका ऐसे लिखा रहा डी अपॉन डी एक्स वाई का डी वाई बाई डी एक्स और बी का जीरो और नीचे कितना आपके पास वाई माइनस बी का होल स्क्वायर है। देखो आपने लिखा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस साइन। देखो आपने क्या लिखा वाई माइनस बी माइनस साइन एक्स माइनस ए। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स आपने डी वाई बाई डी एक्स क्या निकाला था तो देखो डी वाई बाई डी एक्स था आपका माइनस साइन एक्स माइनस ए माइनस साइन एक्स माइनस ए अपॉन में कितना है वाई माइनस बी। अब देखो अपॉन में कितना है वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा देखो ये कितना होगा आपके पास डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस साइन। अब देखो ध्यान समझना ये वाई माइनस बी यहाँ जाएगा तो होगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस होगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन ये y माइनस बी और उसके साथ होगा y माइनस बी का होल स्क्वायर x माइनस ए का होल स्क्वायर और y माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो आपने क्या लिखा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस ये चीज होगी सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है अब जरा इसको पुट करेंगे पुट इन वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर थ्री अपॉन टू अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। देखो कितना होगा देखो ये होगा वन प्लस अब डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मतलब एक्स माइनस ए का स्क्वायर और वाई माइनस बी का स्क्वायर और उसकी पावर थ्री अपॉन टू अपॉन ये होगा माइनस का सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। अब देखो कितना होगा देखो ये होगा आपके पास y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर की पावर कितनी है थ्री अपॉन टू देखो माइनस का सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल क्यूब। देखो इज इक्वल टू देखो ये चीज होगी आपके पास सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी का होल स्क्वायर की पावर थ्री अपॉन टू अपॉन में कितना होगा माइनस का सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है देखो समझ में आ रहे हैं थोड़ी सी स्पेस है समझ लो। अब देखो ये स्क्वायर है जब स्क्वायर बाहर जाएगा तो थ्री अपॉन टू की मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे टू से तो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा आपके पास सी क्यूब अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब अपॉन माइनस का सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। तो वाई माइनस बी के होल क्यूब से होल क्यूब कैंसिल आउट हो गया सी स्क्वायर से सी क्यूब कैंसिल आउट हो गया सी तो आपका आंसर निकला माइनस सी। ठीक है देखो प्रूव्ड हो गया ना इसके अंदर ए आता है ना इसके अंदर बी आता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है बेटा ओके जी अगला क्वेश्चन देखेंगे ब्रेक लेना चाहते हो ब्रेक ले लो अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर थ्री के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री का अब हमारे पास सेकंड पार्ट है देखो थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होगा। देखो आपसे कहते हैं कि कॉस वाई इज इक्वल्स टू एक्स कॉस ए प्लस वाई। ठीक है और हमें टू शो करना है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू
कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ठीक है, ये हमें शो करना है। अच्छा देखो, चलो देखो इसका प्रूफ देखेंगे। देखो इसके जब आप प्रूफ को देखोगे कि आपको जो शो करना है कि dy बाई dx में कहीं पर भी ना x नहीं आना चाहिए, बस ये हमारे पास में हिंट होगा। हम लिखेंगे cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस y, तो cos y अपॉन cos a प्लस y इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास x होगा, ठीक है। अच्छा देखो, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो x है वो है कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई। देखो इस क्वेश्चन की ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप इसे ब्लैक पेन से लिखना। देखो क्या होगा, आप इसे करो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि अभी तक आपने जितने क्वेश्चंस किए ना सबको आपने डिफरेंशिएट करा है एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। देखो डी अपॉन डी वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी वाई ऑफ कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई। तो देखो ये होगा आपके पास डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स के साथ डी एक्स अपॉन डी वाई। इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि एक्स को आप वाई के साथ में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो आपने डी अपॉन डी एक्स एक्स का लिखा, साथ में डी एक्स अपॉन डी वाई लिखा। इसके अंदर क्वेश्चन टू लगाएंगे कॉस ए प्लस वाई डी अपॉन डी वाई ऑफ कॉस वाई। देखो मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ बिल्कुल इस तरीके से जैसे आपने एग्जाम के अंदर लिखकर आनी है। मैं मतलब बहुत बुरा फील करूंगा अगर तुम में से किसी भी बच्चे के क्वेश्चन में से किसी कभी भी मार्क्स कट देखो। देखो माइनस में कितना होगा कॉस वाई, ये होगा डी अपॉन डी वाई ऑफ कॉस ए प्लस वाई। देखो अपॉन में योगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए प्लस में वाई। अब देखो डी अपॉन डी एक्स एक्स का कितना होगा वन, योगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू कॉस ए प्लस में वाई, और डी अपॉन डी वाई कॉस वाई का होगा माइनस का साइन वाई। अब हमने डी वाई बटी एक्स क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने इसको एक्स के नहीं वाई के ही रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया सीरियसली, ठीक है बेटे। अच्छा देखो माइनस में कॉस वाई कॉस ए प्लस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस एन ए प्लस हो जाएगा, साइन ए प्लस वाई कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। देखो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू हम पहले लिखेंगे साइन ए प्लस वाई और कॉस वाई को पहले लिख देते हैं, इस क्वेश्चन को पहले लिखा हम लोगों ने, ठीक है जी। अच्छा देखो फिर ये माइनस वाले को लिखेंगे माइनस का कॉस ए प्लस वाई और उसके साथ साइन वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है आपके इसमें साइन ए माइनस बी का अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखो वाई से वाई कैंसिल आउट होगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। उल्टा करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन बॉक्स ओपन कर दीजिए, ये पार्ट आपका प्रूफ हो गया, ठीक है बेटा। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार दोबारा इसको ना रिवाइज कर लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम आपको सिखाएंगे एक नया क्वेश्चन, एक नए टाइप का क्वेश्चन, तो क्लास 12th की डिफरेंशिएशन की फर्स्ट क्लास, ठीक है। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। देखो क्या, देखो आपके पास
एक्स है ए कॉस टी प्लस टी साइन टी, ठीक है, और आपके पास वाई है ए साइन टी माइनस टी कॉस टी। देखो हमसे कहते हैं टू फाइंड, आपको फाइंड करना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा देखो शुरुआत कैसे करेंगे, देखो हमने क्या लिखा, हमारे पास एक्स है ए कॉस टी और टी साइन टी। देखो क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, पैरामेट्रिक है, इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ठीक है ना, उसकी भी सिर्फ एक स्टेप जिसकी वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, और मतलब बच्चे गलत कर देते हैं उस क्वेश्चन को, तो ध्यान से सुनना, साथ साथ चलेंगे। तो एक्स इक्वल टू ए कॉस टी प्लस टी साइन टी, अब आप इसे क्या करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए, देखो आप लिखोगे डी अपॉन डी टी ऑफ कॉस टी प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ टी साइन टी, ठीक है। देखो ए डिफरेंशिएशन कॉस टी का माइनस साइन टी, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके अंदर प्रोडक्ट टू लगाओगे, पहले आपने टी लिखा डी अपॉन डी टी ऑफ साइन टी लिखा, फिर प्लस में आपने साइन टी लिखा डी अपॉन डी टी ऑफ टी लिखा। देखो ये होगा ए, ये होगा आपके पास माइनस का साइन टी प्लस का टी, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी प्लस में साइन टी और टी का डेरिवेटिव वाई। तो देखो प्लस का साइन टी और माइनस का साइन टी कैंसल्स आउट, ये होगा ए टी कॉस टी, ये होगा आपके पास डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। अच्छा देखो अब आप क्या निकालोगे, देखो आपने क्या लिखा वाई इज इक्वल टू ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, ठीक है जी। अच्छा आपने कहा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, ये होगा डी वाई अपॉन डी टी, आपने ए लिखा डी अपॉन डी टी ऑफ साइन टी माइनस में डी अपॉन डी टी ऑफ टी कॉस टी। अच्छा देखो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए साइन टी का डेरिवेटिव होता है कॉस टी माइनस, अब देखो टी कॉस टी, तो टी डेरिवेटिव ऑफ कॉस टी और प्लस कॉस टी डेरिवेटिव ऑफ टी, ठीक है, ये देखो इंपॉर्टेंट है। डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए देखो कॉस टी माइनस, देखो ये ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी था इसके अंदर, देखो ये आप लिखोगे टी कॉस टी का डिफरेंशियल माइनस साइन टी जिसमें माइनस से नहीं आया और प्लस में कॉस टी, ब्रैकेट खोलो ए, देखो ये होगा कॉस टी माइनस माइनस प्लस टी साइन टी माइनस कॉस टी, कॉस टी से कॉस टी कैंसल्स आउट, ये होगा आपके पास ए टी साइन टी डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है। अच्छा देखो देख लो एक बार कॉस टी माइनस टी, अब देखो टी कॉस टी में आपने ब्रैकेट लगाया और आपने इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगाया, तो प्रोडक्ट रूल लगाकर आपके पास टी कॉस टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी कॉस टी, ऐसे लिखा रहा, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस और माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा देखो जो कैंसिल आउट हो गया ये आंसर आ गया, अब आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स होगा डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। अब देखो डी वाई अपॉन डी टी होगा ए टी साइन टी और डी एक्स अपॉन डी टी, अब देखो डी एक्स अपॉन डी टी कितना होगा, तो डी एक्स अपॉन डी टी था आपके पास ए टी कॉस टी, अब ए टी से ए टी कैंसिल आउट होगा, ये कितना बना साइन टी अपॉन कॉस टी टेन टी बन गया, ये भी आपका डी वाई अपॉन डी एक्स है, ठीक है। अब देखो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स निकला है आपका टैन टी,
और हमने अगेन डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन टी। अब देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स टेन टी का हो नहीं सकता, तो आप इसे लिखोगे डी अपॉन डी टी ऑफ टेन टी और डी एक्स अपॉन डी टी। अब देखो ये स्टेप इसकी जो इंपॉर्टेंट है, जो आपने कई जगह अप्लाई किया है कि आप टी को एस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा देखो ये होगा आपके पास डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ टेन टी, ये होगा सेक स्क्वायर टी, और देखो उसके साथ है डी एक्स अपॉन डी टी। अब देखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी को लिख सकते हो वन अपॉन कॉस स्क्वायर टी, और डी एक्स अपॉन डी टी आपने देखिए डी एक्स अपॉन डी टी कितना निकाला था, तो डी एक्स अपॉन डी टी था आपका ए टी कॉस टी, तो आपने इसको लिखा ए टी कॉस टी। अब देखो क्या होगा, ए कॉस टी से ए कॉस टी कैंसिल आउट हो गया, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू ए टी अपॉन कॉस टी, ये आंसर आ गया, ठीक है। देखो अब देखो लास्ट के दो क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 डिफरेंशिएशन फर्स्ट क्लास, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, बाय पी एम आई हमें शो करना है कि डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन होगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये हमें शो करना है, ठीक है। अच्छा देखो पी एम आई का आप सभी को बहुत अच्छा आता होगा, आपको देखते दिल खुश हो गया होगा कि पी एम आई का क्वेश्चन आ गया। तो देखो फर्स्ट स्टेप होती है पी एम आई के क्वेश्चन की, आपने क्या लिखा एट एक्स इज इक्वल टू वन, तो आपकी जो एल एच एस है वो होगी डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर वन, जिसका आंसर कितना आएगा आपके पास वन, और आपकी जो आर एच एस है तो उसका आंसर आएगा वन एक्स की पावर वन माइनस वन, मतलब एक्स की पावर जीरो मतलब वन। तो आपका डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर वन इज इक्वल टू वन एक्स की पावर वन माइनस वन हो गया, ये आपका प्रूव हो गया कि मतलब इट इज टू फॉर एन इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिख दिया कि डी अपॉन डी एस एक्स की पावर वन को आप वन लिख सकते हो। अब सेकेंड स्टेप पर आ गए, देखो आपने लेट किया कि लेट इट बी ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, तो देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एन की पावर एक्स की पावर के इज इक्वल टू के एक्स की पावर के माइनस वन, आपने डी अपॉन डी एक्स की पावर एन में लिखा, आपने डी अपॉन डी एस एक्स की पावर के इज इक्वल टू के एक्स की पावर के माइनस वन। अब बच्चे अगर चीज़ समझे ध्यान से, ये स्टेप नंबर 3 है और वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखो आपने क्या लिखा एट एन इज इक्वल टू कितना आपके पास के प्लस वन, देखो डी अपॉन डी एक्स आप एल एच एस पर आ गए, देखो एल एच एस है डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर के प्लस वन,
देखो योगा डी अपॉन डी एक्स, योगा आपके पास एक्स की पावर के और एक्स की पावर वन। देखो योगा आपके पास एक्स की पावर के डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस एक्स और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के। देखो ये होगा एक्स की पावर के डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा, वन। फिर आपने एक्स लिखा, के सामने आएगा और एक्स की पावर होगी के माइनस वन। ठीक है, देखो ये होगा एक्स की पावर के फिर प्लस, अब एक्स की पावर वन है, आपने के लिखा, एक्स की पावर वन में प्लस होगा के माइनस वन, वन से वन कैंसिल आउट होगा, एक्स की पावर के प्लस के एक्स की पावर के। देखो तो ये बना आपके पास एक्स की पावर के ब्रैकेट में वन प्लस में के, ये आपकी एलएचएस है। आप आरएचएस पर आ गए, आरएचएस में आपने एन की जगह के प्लस वन डाला, तो ये होगा के प्लस वन एक्स की पावर के प्लस वन माइनस वन, ये होगा के प्लस वन और एक्स की पावर के। तो देखो तो आपकी जो एलएचएस है वो इक्वल आगे किसके आपके पास में आरएचएस की, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, गुड, अपना आप ट्राई जरूर करना। ओके, सेकंड पार्ट में आएंगे हम लोग। यूजिंग डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, एंड साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, फाइंड कॉस ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो डिफिनेशन का यूज करना है, एक फॉर्मूले का यूज करना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन पे आ गया आप इसके, देखो आपने कहा लेट ए कॉमा बी बी द टू फंक्शंस ऑफ एक्स। एक्स के अंदर दो फंक्शन लेट कर ली, क्योंकि एक्स के फंक्शन होंगे तभी तो आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाओगे। अब देखो आपने लिखा यूजिंग साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ए कॉस बी और प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब देखो साइन ए प्लस बी का डिफरेंशिएशन होगा कॉस ए प्लस बी और डिफरेंशिएशन ए का होगा डी ए अपॉन डी एक्स और बी का होगा डी बी अपॉन डी एक्स। अब देखो साइन ए कॉस बी में प्रोडक्ट टू लगाएंगे, साइन ए डी अपॉन डी एक्स और कॉस बी प्लस कॉस बी डी अपॉन डी एक्स और साइन ए। देखो उसके अंदर प्लस लिखेंगे, आपने लिखा कॉस ए डी अपॉन डी एक्स और साइन बी और प्लस में कितना होगा आपके पास साइन बी डी अपॉन डी एक्स और कॉस ए। ठीक है, अब देखो ये होगा कॉस ए प्लस बी डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो आपने लिखा साइन ए कॉस बी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का साइन बी डी बी अपॉन डी एक्स। देखो प्लस में आपने लिखा कॉस बी, साइन ए का डिफरेंशिएशन होगा कॉस ए और ये होगा डी ए अपॉन डी एक्स। फिर प्लस में लिखा आपने कॉस ए, साइन बी का डिफरेंशिएशन होगा कॉस बी और आपने लिखा डी बी अपॉन डी एक्स।
देखो प्लस में लिखा साइन बी, कॉस ए का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का साइन ए, और ए को लिखोगे डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अच्छा देखो सुनो, देखो ये होगा कॉस ए प्लस बी डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखो कितना होगा, माइनस का साइन ए साइन बी डी बी अपॉन डी एक्स और प्लस का कॉस ए कॉस बी डी ए अपॉन डी एक्स। देखो प्लस का कॉस ए कॉस बी डी बी अपॉन डी एक्स और माइनस का साइन ए साइन बी डी ए अपॉन डी एक्स। अब देखो ये होगा कॉस ए प्लस बी, ठीक है, और उसके साथ है डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू। अब दो ध्यान से बताना, साइन ए साइन बी यहाँ भी लिखा है और साइन ए साइन बी यहाँ भी लिखा है, तो आपने माइनस का साइन ए साइन बी कॉमन लिया, तो जब आप माइनस का साइन ए साइन बी कॉमन लोगे तो क्या बनेगा आपके पास, देखो डी बी अपॉन डी एक्स और प्लस डी ए अपॉन डी एक्स। ठीक है, इन दोनों में से माइनस का साइन ए साइन बी कॉमन लिया। अच्छा देखो फिर प्लस आपने कॉस ए कॉस बी कॉमन लिया, तो देखो अगर आप कॉस ए कॉस बी और कॉस ए कॉस बी कॉमन लोगे तो ये बनेगा आपके पास डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। अब देखो डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है, हम लिखेंगे कॉस ए प्लस बी डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आपने कॉमन लिया डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स, ये बचा ब्रैकेट में एक कॉस ए कॉस बी और माइनस में बचा आपके पास साइन ए साइन बी। अब डी ए प्लस डी एक्स डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल हो गया आपका। ठीक है, गुड, कर लेना क्वेश्चन को। ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया था, सब कुछ दिया, काश एक दिल भी दिया होता। बदतमीज़,